आज हम लोगों का जो लेक्चर है वो साम दान दंड भेद नीति, जो दंड नीति है कौटिल्य की, कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त, ये एक ही आदमी के तीन नाम हैं। बहुत ही फेमस फिलासफर हैं, इंडिया के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। ये चाणक्य की जो साम दान दंड भेद नीतियाँ हैं, इसके बारे में इंडियंस, लगभग हर इंडियन ने सुन रखा होगा। बहुत सारे लोग इसको पॉलिटिक्स में यूज़ भी करते हैं, बहुत जगहों पे यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि साम दाम दंड भेद की जो नीति है वो कोई एथिकल नीति है। कुछ हद तक इसमें एथिक्स हैं, कुछ हद तक नहीं भी हैं। ये एक पॉलिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी है, यानी पॉलिटिकल थ्योरी है। इसको राज को चलाने में और पॉलिटिक्स में अक्सर यूज़ किया जाता है और वहीं पर यह ठीक है। इंडिविजुअल एथिक्स में ये बहुत अच्छे एथिकल थ्योरी नहीं मानी जाती। तो पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि ये एथिकल थ्योरी नहीं है, एक पॉलिटिकल थ्योरी है। इसके बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शन से लोगों के बीच में, साम दाम दंड भेद को बोलते सभी लोग हैं बट जानते कम लोग हैं। तो आज जब आप लेक्चर के एंड तक पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है इसके बारे में, साम दाम दंड भेद की सारी दंड नीतियों के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके होंगे। तो पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि किस तरीके से इन नीतियों को यूज़ किया जाता है और रियल मायने में, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ दिस साम दाम दंड भेद, इसका रियल मतलब क्या है प्लीज़। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या साम है, क्या दाम है, क्या दंड है और क्या भेद है, और इसको कैसे हम लोग अपने टेक्स्ट को, कोई टास्क हमारे हाथ में है तो उसको पूरा करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए, किसी एंड को अचीव करने के लिए, किसी गोल को पाने के लिए, ये जो है साम दाम दंड भेद की जो टेक्निक है इसको सिक्वेंशियल मैनर में यूज करने के लिए कहा है कौटिल्य ने। सिक्वेंशियल मैनर मतलब एक फेल हो जाए तो दूसरे को यूज करो, पहले साम यूज करो, साम ना काम करे तो दाम यूज करो, दाम ना काम करे तो दंड यूज करो, दंड ना काम करे तो भेद यूज करो। ठीक है, तो हमें कैसे उपाय करना चाहिए किसी चीज के बारे में? तो उसने बोला है कि देखो, पहले तो उपाय होना चाहिए साम से, ठीक है, कोलेशन से। पहला उपाय उसने क्या बोला है? साम से। साम मतलब कोलेशन से या परसुएशन से। पहला उपाय, अगर परसुएशन काम ना करे, ठीक है, परसुएशन परस्यू कर रहे हैं आप किसी को और वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फिर आप दान गिफ्ट वगैरह या दाम देकर काम करें। दाम भी काम ना करे तो आप भेद के ऊपर जाएं, ठीक है, डिस्पेंशन के ऊपर, और वो भी ना काम करे तो फिर आप फोर्स के ऊपर जाएं। तो ये उपाय उसने बताए हैं, साम दाम दंड भेद जो है उसने उपाय बताए हैं कि इस तरह से काम किया जाना चाहिए। अब साम का मतलब क्या बताया है उन्होंने? साम का मतलब बताया है कि साम और सामन, उसने बोला है कि टू एडवाइज एंड टू आस्क, ठीक है, ठीक है, लाइक पेरेंट्स आस्क हिज चिल्ड्रन, ठीक है, हिज चाइल्ड और हिज हर चाइल्ड टू डू समथिंग बाय एक्सप्लेनिंग द प्रोज एंड कॉन्स हैबिट्स ऑफ आस्किंग एंड एडवाइजिंग हिम। तो ये वाला जो होता है, इसमें क्या होता है, शाम में हम यूज करते हैं, परसू करते हैं, उसको एडवाइज करते हैं, उससे पूछते हैं, उसको हम प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, जैसे जैसे पेरेंट्स बताते हैं कि ये सही है या गलत है, ऐसा होना चाहिए, ये सही ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें, इस प्रोसेस में परसुएशन बाय द इंफॉर्मिंग द इंडिविजुअल व्हाट द टास्क इज एंटाइटल्ड एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल। तो साम नीति में क्या है ना कि आप उस किसी से जाएंगे, आप बातचीत करेंगे कि सर मैं इसलिए ये करना चाह रहा हूँ, मैं, मेरा एक बड़ा पर्पज है, ऐसा है वैसा है, और उसको एक परसू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं, यानी उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि मैं क्यों, मतलब मैं ये क्यों करना चाह रहा हूँ, उसको उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे, ठीक है। जैसे कि कोई राजा है तो उसको आप जाकर साम नीति से ही बताएंगे, सर ऐसा ये है और ऐसे करना चाहिए आपको, और बेसिक मतलब फैसिलिटीज लोगों को देनी चाहिए, लोग वेलफेयर करना चाहिए, इससे आपको भी फायदा होगा, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी आपको बताना चाहिए, उसके मतलब इसमें वर्बल कम्युनिकेशन से उसको मोटिवेट किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर आती हैं कि मतलब आप उसको एज अ पेरेंट, जैसे पेरेंट या एज अ फ्रेंड या एज अ फिलोसफर, कैसे भी आप उसको समझाने की कोशिश करते हो, उसको अच्छी चीज बताने की, उसको पॉजिटिव साइड दिखाने की कोशिश करते हो। ये पीसफुल नेगोशिएबल मैनर में होता है। क्या होता है साम नीति में, क्या करते हैं हम लोग? पीसफुल और नेगोशिएबल मैनर में बात करते हैं, एडवाइज करते हैं उसको, ठीक है, उसको सही और गलत चीजें बताते हैं। साम में उसने पांच इम्प्लीकेशन दिए हैं कौटिल्य ने। ये पांचों इम्प्लीकेशन बड़े मजेदार हैं। पहला कि आपका, ठीक है,
अब देखिए इसमें कुछ लोग ये मैं सोचिएगा कि हर बंदा साम दाम डी यूज करता है, बट ये है थोड़ा सा अनएथिकल टाइप का लगता है, बट ठीक है देखिएगा कि देखो अडल्ट्री मीन, अडल्ट्री मीन्स में ये है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब आप जेन्युइन किसी को प्रेज करें, जेन्युइन प्रेज, ठीक है, क्योंकि जब आप किसी की ना झूठी तारीफ करते हैं तो समझ जाता है कि यार ये फालतू बकवास कर रहा है, ठीक है। फेक जो है वो नहीं होना चाहिए, जहां तक कि मतलब पहला पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि आप किसी को उसकी तारीफ करें और जेन्युइन तारीफ करें, साउड विद द जेन्युइन प्रेज, ठीक है, उसकी मेरिट्स की, उसकी अचीवमेंट्स की, उसकी क्वालिटीज की। ये शाम का पहला पॉइंट है, ठीक है, जैसे कि सच में उसके अंदर कोई क्वालिटी देखी, ठीक है, तो आप उसके अंदर देखें कोई अच्छाई तो होती है। अच्छा, हर इंसान के अंदर थोड़ी बहुत कुछ अच्छाई होती कि नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो होती ही है सर। अब यार इंटरेक्ट करो नहीं तो मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, इंटरेक्ट करो तभी मजा आएगा इसको पढ़ने में। हर इंसान के अंदर क्वालिटी होती है नहीं होती? जी सर होती है। ठीक है, तो आप उसकी जेन्युइन कोई क्वालिटी तो देख ही सकते हो ना। वो कहते हैं ना, बुरा जो खोजन में चुला बुला न मिलिया कोई, मन जो देखो आपने मुझसे बुरा रखो। तो ऐसे आप अगर जाओगे किसी को अच्छाई देखने के लिए तो आपको अच्छाई कुछ ना कुछ दिख जाएगी। आप उसकी जेन्युइन जो आपके दिल में आ रहा है उसकी जेन्युइन तारीफ की आपने, आपको कुछ काम करवाना है। आपका मेन पर्पस क्या है, मोटिव क्या है पीछे, कि आपको कुछ काम करना है। अब इसमें सब में मोटिव यही है कि कुछ काम करवाना है मुझे, ठीक है। आप उसकी जेन्युइन तारीफ करिए, ठीक है, उसके मैरिज की, उसके अचीवमेंट्स की, क्वालिटीज की, ठीक है। लेकिन अब कौटिल्य क्या कहता है, वो कहता है प्रेज अगर अपना कोई काम करवाना है, डिजायर्ड आउटकम लेना है, तो कभी कभी अगर आपको फेक तारीफ भी करनी पड़े, ठीक है, उसने प्रेज को बोला है, कौटिल्य ने कहा है कि कैन बी फेक ऑल्सो। वैसे तो कोशिश करो कि उसका अच्छी तारीफ करो, अगर फेक भी कर रहे हो तो ओरिजिनल लगनी चाहिए। फेक तारीफ उसकी की जा सकती है, ऑल्सो इट ब्रिंग्स आउट द डिजायर आउटकम। अगर आपको डिजायर आउटकम मिल रहा है, आपको मतलब जो आप चाह रहे हो वो मिल रहा है, अननेसेसरी नहीं, आपको लगता है कि इससे मुझे मेरा मसला हल हो सकता है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत फेक भी करना पड़े, फेक तारीफ करनी पड़े, तो भी कर सकते हो। ये कौटिल्य के अकॉर्डिंग ये भी सीख, ठीक है, ठीक है। तो पहला तो जेन्युइन तारीफ करो, क्योंकि उसको बेवकूफ मत समझो सामने वाले को, ठीक है। जेन्युइन तारीफ से बात बन गई, ठीक है, नहीं बनी, लग रहा है कि कुछ और मसाला ऐड करना चाहिए, उसमें कुछ बातें नहीं भी हैं, तो भी आपने ऐड करी, क्यों, ताकि डिजायर आउटकम आ जाए। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, ठीक है, उसको मतलब मजा आया थोड़ा सा, आपने क्या अच्छा काम हो गया, नहीं हुआ इससे नहीं हो रहा, कोई तारीफ से बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो बंदा थोड़ा खड़ूस टाइप का है ना, उसको तारीफ करोगे तो कोई वो खुश नहीं होता है, ठीक है, खुद होते हैं कुछ लोग। अब दूसरा इम्पैक्ट आता है, रिलेशनशिप इम्पैक्ट, क्या देखें, रिश्ता बताने वाला। अब आप कंफ्लिक्टिंग जो पार्टी है ना, उसके ऊपर आप क्या करोगे, कोई लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप का हवाला दोगे। कंफ्लिक्टिंग पार्टी इज इम्पोजिंग बाय इन्फ्लुएंसिंग हिज एटीट्यूड एंड थॉट्स बेस्ड ऑन द लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप कुड बी एस्टेब्लिश थ्रू द एथनिसिटी, किनशिप, फैमिली, विद एन एम टू सॉफ्टन द काउंटर पार्ट बिहेवियर एंड स्टैंड्स टूवर्ड्स इट द इशू। बहुत आसान है ना, ये तो समझ में आ गया होगा भाई, आप मेरे चाचा है, नाना कुछ फैमिली वाला रिश्ता बता दिया, कुछ किनशिप वाला बता दिया, कुछ पुराना बता दिया, अरे हम ये सब यार इंडियन है, हम लोग या हम लोग सब मुसलमान है भाई, या हम सब हिंदू है भाई, या हम इसी तरह से है, तुम्हारे दादा मेरे दादा सगे भाई हुआ करते थे, अरे हम लोग इस गाँव के हुआ करते थे, कुछ रिश्ता उससे लेकर आए कि भाई कोई रिलेशन लेकर आए कि यार हम तो आपके हैं, आप हमारा काम नहीं करोगे, आप समझ रहे हैं? यस सर। जो करते हैं ना, यस सर, तो ये रिश्ता एस्टेब्लिश, यानी पहले तारीफ वाली मोड, नई बात बनी, अगर उससे लग रहा है बात नहीं बनेगी इससे, फिर रिश्ते वाला मोड लेकर आए, ठीक है, नई बात बनी, वो कह रहा है मैं रिश्ता उसका कुछ नहीं जानता, जब मैं सक्सेस कोई हो जाता है ना, तो हर आदमी रिश्ता जोड़ने लगता है, ठीक है, उससे नहीं सुना कुछ आपका, फिर क्या करोगे, फिर आप म्यूचुअल गेन की बात करेंगे, अब उससे बात करेंगे कि देखिए भाई ऐसा है ना, फिर आपको भी फायदा हो और मुझे भी फायदा हो, ठीक है, हम फ्यूचर म्यूचुअल गेन की बात करेंगे, चाहे उसको सामने वाले को फायदा हो रहा हो और चाहे ना हो रहा हो, ठीक है, चाहे ये सच हो या ना हो, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अगर ये सच नहीं भी है तो भी आप म्यूचुअल बेनिफिट की बात करें, उसको कुछ पॉजिटिव कुछ दिखे, यहाँ यार मेरा भी फायदा हो जाएगा इसमें, तो मेरा भी फायदा हो जाएगा। अब वो म्यूचुअल गेन की अगर दिखेगा उसको ना,
कि यार मेरा भी तो इसमें फायदा है, या कुछ फायदा हो जाएगा, या इससे रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा तो ये कुछ काम करवा देगा मेरा, कुछ भी, जब उसको अपने भी कोई फायदा होगा, जैसे तुम्हारा सिर्फ अपना फायदा हो रहा है ना, जैसे मेरा अभी इमीडिएटली मान लो इमीडिएटली अपना कोई फायदा हो रहा है, तो हो सकता है तो सिर्फ तुम्हारा फायदा हो रहा है तो काम ना करे, लेकिन जब उसको लिखेगा इसमें मेरा भी कुछ फायदा है, ठीक है, म्यूचुअल गेन, उसको भी कुछ फायदा हो रहा है, म्यूचुअल गेन जो है, ठीक है, उसकी बात करिए आप दोनों पार्टीज की, और म्यूचुअल गेन जरूरी नहीं है कि सच हो, ठीक है। उसके बाद में आता है कि अगर म्यूचुअल गेन भी उस समय नहीं समझ में आ रहा है कि हम दोनों को क्या फायदा होगा, तो कुछ उसको सपना दिखाइए, फ्यूचर गेन की बात करिए, ठीक है, क्या बात करिए, फ्यूचर गेन की, फ्यूचर गेन की मतलब जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में सच हो, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये सब कौटिल्य का स्टेटमेंट है, ठीक है, यानी जो अपोनेंट है उसको ये बिलीव हो जाए यार म्यूचुअल बेनिफिट हमारा फ्यूचर में हो सकता है, अगर फ्यूचर में नहीं हो रहा मतलब अभी नहीं हो रहा तो फ्यूचर में जरूर म्यूचुअल बेनिफिट हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, यानी उसको फ्यूचर बेनिफिट दिखाना है, ठीक है, चाहे वो जरूरी नहीं है कि वो सच ही हो, बस आपको अपने जो हाथ में अभी प्रेजेंट टास्क है, मान लीजिए कोई कुछ साइन करवाना है, कुछ काम करवाना है, तो वो काम हो जाए बस, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको एक एक सच सच बात मतलब एकदम उस फ्यूचर में सच ही हो, बस उसका यह है कि फ्यूचर में उसको कुछ गेन दिख रहा है, कहाँ यार कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन अब ये समझना है कि सामने वाला इंटेलिजेंट आदमी है, तो उसको उसी तरह का गेन दिखाना है फ्यूचर में कि हाँ वो उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। उसके बाद में अगर फिर भी काम ना हो तो क्या करना है, कंप्रोमाइज करना है, ठीक है। कंप्रोमाइज क्या है कि भाई ऐसा है ना कि कुछ आप कंप्रोमाइज कर लो, कुछ हम कर लेते हैं, ठीक है, आप समझ रहे, काउंटर पार्ट जो है उसको ये बिलीव कराओ कि है कि कंपनसेशन और अ कंप्रोमाइज ऑन द कार्ड ऑफ द फ्यूचर, अगर मतलब कोई प्रपोजल है, अगर उसमें हम दोनों मिलकर कुछ मतलब कंप्रोमाइज कर लेते हैं, थोड़ा आप घटो थोड़ा हम घटे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि बाय चांस जो है आपको कोई काम करवाना है और वो किसी भी तरह से नहीं मान रहा, तो फिर आपको भी कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, हो सकता है कि उसमें कुछ आप कंप्रोमाइज करो और कुछ वो कंप्रोमाइज करे तो वो काम आपका निकल जाए, जैसे मान लीजिए उसमें चार चीजें हैं, चार चीजों में से एक चीज जो है उसकी वजह से वो एग्री नहीं हो रहा है, तो फिर आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज करो, थोड़ा सा कंपनसेट करो, फिर काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ उसने उपाय बताया है कौटिल्य ने डिजायर टारगेट को हासिल करने के लिए। कौटिल्य कोई गिल्ट फेन नहीं मतलब फेस नहीं करता, कोई गिल्ट नहीं उसको समझ में आता है, यानी कि वो ये नहीं कहता है कि आप हर बात को सच बोलो, उसको फैंसी वर्ड यूज करने में कौटिल्य को या अनट्रू वर्ड यूज करने में कोई दिक्कत नहीं नजर आती है। वो कहता है अगर डिजायर गोल हासिल करना है तो आप फैंसी और अनट्रू वर्ड भी यूज कर सकते हो, आप समझ रहे हैं, लेकिन ये मेरी तरफ से नहीं है भाई, मेरे को मैं बहुत एथिकल आदमी हूँ, मेरे को ये सब अच्छी बात नहीं लगती है, लेकिन आज मेरा एक वर्ड यूज हो रहा है सर आजकल, तो शाम निकल ये तो अभी शाम, ये तो अभी शाम में देखिए, शाम में उसने क्या क्या कृत्य तरीके दिखे, हम तो शाम को थोड़ा सा समझते हैं ना कि शाम तो ऐसी मतलब कि ऐसे करना चाहिए, शाम मतलब आपको परसुएंस करना चाहिए, लेकिन परसुएशन में कितनी सारी चीजें आ रही हैं, देख रहे हो ना कितनी सारी, पहले शाम लग रहा था कि बस ऐसे अब उसने शाम में भी बोला है कि देखो क्या क्या करो, पहले तारीफ करो, इसको ऐसे याद कर लो कि जिसे पहले तारीफ, अच्छा इसको अप्लाई मत करना, पॉलिटिक्स में अप्लाई होता है ज्यादा, अप्लाई में को नहीं कोशिश मत करना क्योंकि अप्लाई भी करना तो झूठ वाला मत अप्लाई करना यार, फिर मुझे लगेगा कि मैंने मुझे थोड़ा सा बुरा लगेगा कि बताओ मैंने गलत शिक्षा दे दी, लेकिन अब क्योंकि कौटिल्य है तो उसको पढ़ाना ही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाता ही हूँ तो आप लोगों को भी बता देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ऐसा है कि इसके अंदर सबसे पहले यह है कि मुझे तारीफ करनी है, जनरल तारीफ से काम ना बने, रिलेशनशिप की बात करनी है, उससे काम ना बने, म्यूचुअल गेन दोनों की फायदे की बात करनी है, वो भी ना करे तो फ्यूचर गेन की बात करनी है,
और फिर कुछ अगर फिर भी नहीं काम हो रहा है तो कुछ कंपनसेशन देकर कुछ कंप्रोमाइज करके अपना काम खेल लेना है, ये कार्ड खेलना है और इसको खेल के आपको अपना काम करवा लेना है, बस ये मेन चीज है। और इसमें ये जो उपाय करते टाइम जरूरी नहीं है कि आपका जो है सारे वर्ड सही हो, आप फैंसी और आंतरिक वर्ड भी यूज कर सकते हो। क्या बात समझ आ गई? नदीम बोला है अप्लाई करने को एक बार, ये स्ट्रेटजी करते हैं लोग यार, में करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं लोग, बहुत यूज करते हैं। इतना पहले तो जाके सबसे पहले डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब से पहले सर ऐसा है सर, तो आप तो बहुत अच्छे सर, आपकी बड़ी तारीफ सुनी है सर, ऐसा अच्छा ही करते हो तो, सर आपने तो टॉप किया था सर, आपका तो इतना है सर, मेरा बच्चा भी इस तरीके से, मतलब दुनिया भर के उसकी तारीफ वारीफ करके सर आप ऐसा वैसा, उसके बाद में फिर थोड़ा सा नहीं होता तो फिर रिश्ते निकालना शुरू करते हैं, फिर नहीं होता तो म्यूचुअल गेन की बात, फ्यूचर गेन की बात, क्योंकि उन लोगों का काम ऐसे ही करना पड़ता है, उन लोग से काम तो ऐसे ही निकलता है ना सर। अब वो इतना करप्ट है, और उसने भी शाम दाम दंड भेद पढ़ के बैठा हुआ है, वो भी कम तो है नहीं, उसने बड़ा बेटा मेरे पास साथ खेल रहे हो मेरे साथ है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसने बोला शाम नीति से मेरा काम चलेगा नहीं, शाम से मैं आगे ऊपर वाली चीज हूँ, है ना, शाम से मेरा काम चलेगा नहीं, मैं शाम से ऊपर वाली चीज हूँ, तो क्या लगाओगे आप, दाम, क्या लगाओगे, दाम, 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 दाम में क्या है, दाम से नाम से ही जाहिर है कि संस्कृत में इसका मतलब होता है प्राइस, और इवन सेलर को मतलब कोई सर्विसेज के लिए जो पैसा देना होता है उसको बोला जाता है दाम। तो कौटिल्य ने कहा कि शाम को अगर शाम किसी के ना समझ में आए तो फिर आप दाम की तरफ जाओ, ठीक है, आप एक कोई ऑफर प्राइस ऑफर कर सकते हो, ठीक है, मतलब सर ब्राइब आएगा ना इसमें, अभी ब्राइब नहीं आएगा, डायरेक्ट ब्राइब मत करो, अच्छा मतलब वैसे सर्विस की कॉल, स्टेजेस है इसके भी स्टेजेस, ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ मतलब इसके अंदर जो है क्या है, द कॉन्सेप्ट हियर इज नॉट of a bribe but of exploitation of the greed of the sentence को underline जो है ही है, आप लोग भी अपने दिमाग में underline कर लो कि इसमें bribe नहीं कर रहा है, इसमें जो उसकी greed है किसी individual की उसको exploit कर, ठीक है, हर इंसान मतलब हर इंसान तो नहीं कहूंगा लेकिन बहुत इंसान, ज्यादातर इंसान जो है वो greedy होते हैं अंदर से, ठीक है, लालची होते हैं, तो उनका जो greed है ना उसको हमें exploit करना है, क्या करना है, greed को exploit करना है, ठीक है, ठीक है, और ये जो ग्रीड होता है ना ये एक्सप्लॉइट करने का क्या मतलब है, जैसे शाम बंदा नहीं समझेगा तो दाम समझेगा, दाम में क्या होगा कि हर चीज का एक प्राइस है, बोलते नहीं है, कई बार आपने इस कोटेशन सुना होगा कि देयर इज अ प्राइस फॉर एवरीथिंग, ठीक है, वो बस प्राइस का मतलब क्या है कि सही टाइम पे सही प्राइस अगर किसी इंसान को मिलता है तो हर कोई बिकने को तैयार हो जाता है, कहने का मतलब ये है वन वे और अदर देयर इज अ प्राइस फॉर एवरीथिंग, ठीक है, हर चीज का एक प्राइस होता है और वो प्राइस जब इस इंसान को मिलता है तो फिर वो बिकने को तैयार हो जाता है, तो कहने का मतलब यह है कि हर इंसान के अंदर ग्रीड है और हर चीज का एक प्राइस है, बट सही टाइम पर सही इंसान के द्वारा सही जगह पे अगर उसको यूज किया जाए, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य मनी जो है वो एक स्टिमुलस की तरह काम करता है जो आपके काम को स्पीड अप करा देता है प्रेजेंट डे में वर्क प्लेस में, हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी सीन एज अ ब्राइब टू गेन फ्यूचर बेनिफिट्स बाय पेइंग प्राइस ऑफ द प्रेजेंट इन द प्रेजेंट, यानी कि आप फ्यूचर में आप अभी पैसा देकर या कोई प्राइस पे करके आप अपना कुछ गेन करना चाहते हो जिससे मतलब फ्यूचर में भी आपको कोई फायदा हो, तो ब्राइबरी वॉज यूज विद अ क्लेन एंड ट्राइब ट्राइबल चीफ टू क्वेल एनी रेबेलियन टू कीप देम इन द फोल्ड, ये बहुत ज्यादा यूज हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा किया है, आपको पता है ब्राइब, आपको पता होना चाहिए कि ब्राइब करना भी है यानी दाम देना है तो दाम किसको देना है आप ये समझिए, तो इसमें उसने बहुत क्लियर कट बोला है कि दाम हमेशा किसको दिया जाना चाहिए, किंग को दिया जाना चाहिए, क्लेन के चीफ को दिया जाना चाहिए, ट्राइबल चीफ को दिया जाना चाहिए, रेबेलियस चीफ को दिया जाना चाहिए, जो लीडर है ना, आप जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मूवमेंट होने जा रहा है कोई चीज है और वहां पे आपको कोई काम रुकवाना है उसको, तो आपको जो दान देना है जो पैसा देना है जो प्राइस देना है वो किसी मजदूर को जाके नहीं देना, किसी रेबेलियस पर्सन को जाके नहीं देना, वो आपको देना है उसके लीडर को, लीडर अपने आप ही उसको संभाल लेगा, आपको परसों किसको करना है, जो लीडर है जो उस क्लेन को लीड कर रहा है उसकी ग्राइड को, उसकी इंडिविजुअल ग्राइड को अगर आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आपका हो सकता है पैसा बर्बाद हो जाए, आपने जाके चपरासी को दे दिया,
आपने मतलब जाके छोटे वाले कर्मचारी को दे दिया, या छोटे वाला जो उसका रेबेलियस एक बंदा है जो उसका प्यादा है प्यादे को दे दिया, आपको देना है किंग के जो क्लेन है, जो जो संस्था है, जो क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्राइबल चीफ है, यानी चीफ को देना है, और चीफ अपने आप ही अपनी पावर यूज करके, अपना इन्फ्लुएंस यूज करके उस चीज को शांत करवा देगा। और ये अक्सर होता है, देखो क्या होता है, जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल को या जनता को थोड़ी ना ब्राइब करने आते हैं, वो क्या करते हैं जो जनता का रिप्रेजेंटेटिव है जो है उसको ब्राइब करते हैं, और उसके बाद में वो अपने एरिया के लोगों को संभाल लेता है, उनको पैसा दे देते हैं, उनको खरीद लेते हैं, बाकी काम सब वो अपना कर लेता है, क्योंकि वो उस एरिया में उसका इन्फ्लुएंस है। जैसे गांव में अगर बात करनी है तो ग्राम प्रधान से, क्योंकि वही सबसे इन्फ्लुएंशियल है, जाहिर सी बात है वो इलेक्शन जीता है तो उसका इन्फ्लुएंस है ही है, तो उससे जाके बात करेंगे, या वहां देखेंगे कि कौन सा है जिसकी चलती है, सिक्का किसका बोलता है, फिर उसको ब्राइब करेंगे, फिर वो अपने हिसाब से चाहे शाम दान दंड भेज जैसे भी यूज करके अपने लोगों को समझा लेगा, या उसके हिसाब से डिजायर पोल करवा देगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको ब्राइब किसको करना है, ठीक है, यानी कि आपको दाम किसको देना है, ब्राइब नहीं कहेंगे यहाँ पे, लेकिन दाम किसको देना है, उसकी ग्रीड को किसको एक्सप्लॉइट करना है, ब्राइब भी इसका पार्ट है, बट डायरेक्ट ब्राइब पे नहीं पहुंचा जाता है। दाम और दान इज अ प्राइस दैट ऑफर फॉर द कैश पेमेंट। देखो अभी कैसे कैसे दे सकते हैं, मतलब कौटिल्य ने ना इतना क्लियरली सारी चीजें बताई है कि मतलब एकदम यूज ही कर ले आदमी। कैश पेमेंट भी हो सकता है, वैल्यूएबल कोई चीज हो सकती है, कोई टेरिटोरियल कंसेशन हो सकता है, कोई इवन मतलब होल्डिंग ओवर द हॉस्टेज, मतलब कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। दाम मतलब प्राइस का मतलब ये हो सकता है कि जैसे मैंने किसी को बंदी बना लिया, ठीक है, हॉस्टेज कर लिया, और बंदी बना लिया, बंदी बनाने के बाद भी मैंने बोला कि अगर जैसे कहते ना अगवा कर लिया किसी को, जैसे क्या नाम है कुछ पैसेंजर्स को अगवा किया था उन्होंने, उसको छुड़ाने के लिए, मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए आतंकवादियों ने, तो वो भी दाम हो गया कि भाई अगर आपने ये किया तो हम इसको छोड़ देंगे, बंदी है हमारे जो हॉस्टेज में है, हमारे जो क्या नाम है वो है किडनैपिंग जिसकी हमने कर रखी है या अबडक्शन कर रखा है, अगर आपने ऐसा किया तो हम इनको छोड़ देंगे, एरोप्लेन ने अबडक्ट कर रखा है, हाईजेक कर रखा है, उसको छोड़ देंगे, समझ रहे ना। तो ये भी प्राइस हो सकता है, इट कैन बी अ प्राइस। तो आपको इतनी टेरिटरी दे देंगे, ये भी एक प्राइस हो सकता है, जैसे बोला कि भाई ऐसा है कि इतनी जमीन आपको आपको हो जाएगी, इतना एरिया आपको दे देंगे, या इतना अधिकार आपको दे देंगे, इतना राज आपको दे देंगे, कुछ भी इस तरह का हो सकता है, कोई वैल्यूएबल चीज हो सकती है, कोई कैश पेमेंट हो सकता है, इट किसी भी तरीके से आप दे सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं नहीं आज? अच्छा, दाम में एक बात है, क्या दाम के अंदर एक बात समझ लीजिए कि दाम को जब यूज भी करना है ना तो हमेशा साम के साथ यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को मुंह पे पैसा फेंक के मारेंगे ना, ये विल नॉट डू दैट, मतलब काम हो सकता है ना करे वो। तो इसलिए पैसा भी देना है तो भी पहला वाला लगा देना है उसके अंदर, साम को लगा देना है, यानी साम अलोंग विद दाम अलोंग विद साम लगाना है, समझ रहे ना, ताकि उसमें मजबूती आ जाए। हैं? आवाज कट रही, आवाज कट रही, क्या कह रही सर? ये कह रही कि अगर हमने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया ना, दाम के साम अगर यूज नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। नहीं देखो, दाम के साथ अगर काम यूज करेंगे तो तुम कह रही हो काम नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हो भी जाएगा कभी कभी जगहों पे, लेकिन अगर उसको रीइंफोर्स करना है, उसको ताकत देनी है और उसको आगे भी काम करवाते रहना है, तो आप किसी को गाली देकर और पैसा देकर चले आएंगे ना, हो सकता है उस समय वो काम कर दे, बट अगर आपने साम यूज किया होगा तो फ्यूचर में भी आपसे पैसा लेके खुश भी होगा और काम भी करेगा आपका। गेटिंग? हो सकता है आप बेचारे बुलाया बैठी बैठे सर, उसको पता है कि अभी ये पैसा भी देगा और हमारी तारीफ भी करेगा, मतलब आपने पैसा भी दिया उसको, बोला सर आप बहुत अच्छे हैं, बस इतना कहना है, और उसको बोला कि तू बहुत कुत्ता इंसान है, तूने पैसे खाए हैं, तो अगली बार हो सकता है उसको कुत्ता ही वर्ड बुरा लग जाए। और उसके बाद कुछ लोग बेशरम होते हैं, लेकिन इतने कि उनको गाली दो लेकिन पैसा दे दो, एक होता है कि नहीं ठीक है, मतलब आप मुझे पैसा दे रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। ऐसा भी कुछ लोग होते हैं कि हाँ भाई इज्जत भी करो पैसा भी दो, यानी कि उसको ये भी लगे कि उसकी डिग्निटी हर्ट ना हो, अगर उसको डिग्निटी उसकी अपनी मतलब ईगो हर्ट हो गई तो हो सकता है आपका काम ना करे पैसा देने के बावजूद या फंसा देने। क्लियर है? तो दाम आपको यूज करना है, लेकिन दाम को फर्स्ट उपाय के साथ, यानी काम साम के साथ यूज करना है तो ज्यादा डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। और दाम जो है वो पांच टाइप के हो सकते हैं, पांच टाइप के आज के सिनेरियो में।
एक तो दाम हम ऐसे दे सकते हैं कि गिविंग व्हाट इज ड्यू टू द अदर पर्सन, जैसे हमें कोई काम करवाना है लेकिन वो उसका है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई आप ही का पैसा है लेकिन मुझे आपसे कोई काम करवाना है, देखो भाई तुम्हारा पैसा मेरे पास बाकी मैं दूंगा नहीं तब तक, या तुम्हारा कोई सामान मेरे पास है जब दूंगा तब तुम मेरा काम नहीं करोगे, उसको लगेगा यार मेरा ही है लेकिन चलो यार अभी तो देगा नहीं बदमाश तो चलो दे दो, तो जो उसका है उसी को देकर भी उससे काम निकलवा लिया, ठीक है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा यह है कि कंसीडरिंग टू व्हाट द अदर हैज ऑलरेडी टेकन इवन इफ इट इज नॉट दिस हिज, अब कुछ ऐसी चीज जो उसने ले रखी है और वो उसको कह रहा है कि ठीक है मेरा नहीं है तुम, लेकिन मैं ले रखा है, ठीक है ऑलरेडी, जैसे कि कोई चीज है मेरा नहीं है लेकिन मैंने ले रखा है, तो उसको बोला कि यार तुमने ले रखा है जो जमीन है मान लो तुमने कब्जा कर रखा है, अब तुमने कब्जा कर रखा है या तुमने ऐसे ले रखा है तो मैं तुमसे उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं करूंगा, ऐसा है कि तुम जबकि मेरा भी उसमें हिस्सा है या मेरा भी उसमें कुछ इंटरेस्ट है बट मैं उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं करूंगा, ऐसा कुछ मेरा काम कर दो और तुम ले लो, ठीक है। कुछ आपने पहले लिया हुआ है किसी से, ठीक है कुछ ले रखा है उसको वो वापस कर दो, ठीक है वो भी एक ब्राइब एक चीज हो सकती है। उसके अलावा किसी को ओनरशिप दे दो या किसी से कहो कि भाई चलो लड़ते हैं हम आपस में और जो भी हमें उसमें गेन होगा, चाहे स्पिल ऑफ वॉर कहते हैं स्पॉइल ऑफ वॉर, या ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई कोई भी चीज है अब हम आप हमारा जो है साथ दीजिए और हम जब जीतेंगे इसमें तो आपको इसका इतना शेयर दिया जाएगा, मतलब कोई भी चीज हो सकती है, किसी भी काम को अचीव करने के लिए गए जैसे चोरी करने के लिए दो लोग गए, अब बोला चोरी करने के बाद जो मिलेगा रिजल्ट उसको आधा आधा कर लेंगे, तो कोई भी चीज हो सकती है, कोई वॉर करने के लिए गए कोई भी चीज के लिए, तो कुल मिलाकर किसी भी तरह से इस तरह से प्राइस दी जा सकती है। एक तो ये जो उसका उसको ड्यू है वो दे दो, ठीक है उसका ड्यू है तो दे दो, एक हो सकता है कि क्या नाम है आपके पास उसने ले रखा है और आपका है लेकिन आप उसको कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए आप उससे बोलते हो कि ठीक है मैं कोई मुकदमा नहीं करूंगा कुछ नहीं वो तुझे दे दूंगा, तूने ले रखा तो तुझे दे दूंगा लेकिन मेरा काम कर, ठीक है और ये काम कर इस तरह से कर तो मैं कर दूंगा। उसके अलावा जो है जो आपने उससे ले रखा है वो भी दे सकते हैं, ठीक है उसके अलावा ओनरशिप दे सकते हैं उसको किसी चीज का, उसके अलावा जो है मतलब शेयर वगैरह की बात कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी करके आप दाम दे सकते हैं, तो ये सारा दाम का वो है। क्या बात समझ में आई? नो सर, और थर्ड में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा, गिविंग व्हाट इज ड्यू टू अदर पर्सन एंड व्हाट गिव बैक व्हाट वाज टेकन। मैंने तुमसे कुछ एक तो तुम्हें कुछ मुझे देना चाहिए, ठीक है तुम्हारा कोई हिस्सा बनता है, ठीक है वो तुम्हें देना चाहिए, किसी की सैलरी है मान लो, ठीक है तो ये पहला वाला हो गया। ओके और ये सैलरी ये है कि आपने कोई काम किया था तब उसकी वजह से मिल रहा है, ठीक है ड्यू है वो देना चाहिए। एक होता है कि आपसे कोई चीज छीन ली गई है वो वापस देना, आपसे ले लिया गया फोर्सफुली या किसी भी तरीके से। उसके अलावा मतलब एक इसने अपनी तरफ से दिया, आप एन नंबर ऑफ चीजें यूज कर सकते हो इसमें के मतलब इस तरह से, तो यानी कि दाम दे सकते हो। दाम भी किसको देना है, ज्यादातर कोशिश ये करनी है कि दाम जिसको काम करना है उसी को दे, यानी चीफ को दिया जाए, ठीक है। उसके बाद भेद है सर, इसके बाद है दंड कहाँ गया सर नीचे, हाँ ठीक है भेद, ठीक है हाँ कोई बात नहीं भेद उसने बोला है भेद करिए। भेद क्या होता है, भेद मतलब यह है कि इज अ पॉलिसी ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय द क्रिएटिंग डिफरेंसेस और द वेज बिटवीन द टू स्टेक होल्डर्स और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वही याद करो भेद मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। आप क्या क्या करना है कि भाई आप दो लोग हैं मिलकर वो आप एक हिसाब से डिमांड कर रहे हैं, आप चाह रहे हो कि नहीं यार इस तरह से तो काम होगा नहीं, आप सिचुएशन के एडवांटेज उठाओगे और क्या करोगे आप जो है भेद पैदा करोगे, दोनों में डिफरेंस पैदा करोगे, उनको वीक करोगे और उसके बाद उन दोनों को जीत सकते हो। साम दाम जहाँ यूज नहीं होता फिर वहां पे भेद यूज करते हैं लोग, उसमें ट्रेडर्स वगैरह है उनको ट्रेडर्स हो गए डिसेंडर्स होते हैं, उनको अंदर से कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उन दो राजाओं में अपने वो भेज कर क्या नाम है दो राजा है या कोई दो लोग हैं कुछ इस तरह से काम करते हैं कि वो जो है आपस में दो लोग जो है जो मजबूती बना रहे थे उनके अंदर कुछ डिफरेंस पैदा हो जाए और लड़ाई कुछ पैदा हो जाए। अब इसमें किसी भी तरीके से कर सकते हैं और जब वो जो लड़ाई पैदा हो जाएगी फिर वो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, कॉमन गोल की तरफ बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। और इसको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, कास्ट सिस्टम को ऐसा भेद यूज कर सकते हैं, रिलीजन को ऐसा भेद यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो है उसमें किसी भी तरीके जैसे आप यहाँ देखो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो भेद कैसे यूज करती हैं, यानी कि डिवाइन रूल, जैसे एक रिलीजन को कहेंगे दूसरे रिलीजन को मार देगा खत्म कर देगा तबाह कर देगा, जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स को बोलेंगे मुस्लिम आर द थ्रेट,
जैसे ज्यूस को उसने कहा था, तो मुस्लिम आर द थ्रेट, और मुस्लिम जो है वो जो है वही सबसे ज्यादा वायलेंट होते हैं, मुस्लिम्स को मारना चाहिए, या इस तरह की कुछ फिलोसफीज बना दे, हिंदू राष्ट्र और हिंदू ये और हिंदू वो, ऐसे करके। तो ये एक्चुअल में दे आर ट्राइंग टू क्रिएट द भेद, और भेद क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो, और जिसकी वजह से जो है एक ग्रुप जो है वो दूसरी ग्रुप को एज अ दुश्मन देखेगा, और फिर वो कमजोरी आ जाएगी ना, ये भी कमजोर वो भी कमजोर, आपस में ही लड़ लड़ के वो जो मेन कॉमन गोल है, जो कॉमन एनिमी है, जो दोनों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको दोनों देख नहीं पाएंगे। तो जो भेद पैदा करने वाला होता है उसका इंटरेस्ट होता है इसमें, ये इस तरह से भेद करते हैं। तो सीक्रेट पनिशमेंट भी देते हैं इसमें, इसमें ये होता है भेद पैदा करने के लिए बहुत सारी चीजें कोशिश करते हैं ये, इसमें एक बंदे को पनिश कर रहे हैं, दूसरे को वो कर रहे हैं, या सीक्रेट पनिशमेंट देते हैं। इससे ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि एक बंदे को ऐसा कितना कमजोर करते चले जाते हैं, कमजोर करते चले जाते हैं कि वो बंदा जो थोड़ा सा समझ रहा है या जिसका ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो इतना कमजोर हो जाए कि वो शरीर ना उठा पाए, ना उसको परसू कर पाए, ना उसको समझा पाए, जो मतलब दूसरा बंदा है जो ताकतवर है, अगर दोनों मिल जाए तो हो सकता है कि अपने कॉमन गेन की बात करें, लेकिन उसको वो होने ही देगा। वो जिस बंदे को ज्यादा पनिशमेंट दे रहा है, जिसको मार रहा है, उसको इतना सीक्रेट इस तरह से रखे हुए है कि वो उसको समझाने की कोशिश, जैसे मुसलमान अगर चाहे कि वो हिंदू को जाके समझा ले, ज्यादातर हिंदुओं को मेजोरिटी को समझा ले कि यार इसमें तुम्हारा भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अगर रसोई की गैस महंगी हो रही है तो आप सबके लिए हो रही है, अगर स्कूल की फीस महंगी हो रही है या किताबों पे जीएसटी लगने की कोई बात हो रही है तो ये सब आपके ऊपर भी दिक्कत है इसकी, अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो उसमें आपका भी इसमें नुकसान है। तो वो चीज वो इतना सब कुछ कॉमन होते हुए भी वो नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दंड नीति में क्या है, लिटरली मीनिंग पनिशमेंट इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस और नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क। अगर कोई नहीं अपनाता है, कोई इसमें से ना दाम जाने, ना दान दाम से माना, ना भेद से माना, तो फिर उसको दंड दिया जाएगा, पनिशमेंट दिखाया जाएगा, टेरर दिखाया जाएगा। ठीक है, दंड मतलब यह है कि बेटा आप तुम ठीक है नहीं मानता, ठीक है ये लास्ट है, लेकिन ठीक है इसमें आर्मी यूज की जा सकती है, इसके अंदर डिस्प्यूट यूज किया, इसमें किंग जो है अपना मतलब रॉड उठा के, मतलब जो रॉड रखते हैं ना ऑनर और जस्ट के लिए, जस्टिस के लिए, वो दंड के तौर पे उसको भी यूज कर सकता है कि अच्छा फियर ऑफ पनिशमेंट दिखा सकता है कि अच्छा तुम नहीं मानोगे, ठीक है अभी बताता हूँ तुम्हें। तो दंड को ऐसा वो यूज कर सकता है क्या, फियर ऑफ पनिशमेंट, जैसे डर है उनको, अब उनका डर को यूज करे वो, ठीक है। इट इज अ फियर ऑफ पनिशमेंट दैट रिफ्रेन पीपल फ्रॉम डूइंग राइटस थिंग्स, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? यस सर, यस सर। ये पॉलिसी तो सर ब्रिटिश ने अप्लाई की थी ना सर इंडिया में? भाई इसमें से सारा कुछ ब्रिटिश अप्लाई कर चुके हैं, शाम यूज किया राजाओं के साथ, जहां पे जरूरत हुई वहां दान यूज किया रिलीजियस लीडर्स के साथ और लोगों के साथ, ठीक है। जहां इतने अच्छे से अंग्रेजी में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने किताबों को ट्रांसलेट किया है, और इन्होंने भेद यूज किया तो वो तो सबको पता है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज की, और दंड तो बहुत यूज किया है, दंड जहां कोई इससे नहीं माना फिर उनको दंड दिया, उनको फांसियां दी, उनको मारा पीटा, उनका एसेसिनेशन करवा दिया। यहाँ के दंड को ये ऐसे भी यूज करते हैं कि देखो अगर एक राजा को मार दिया जाए, ठीक है, एक बंदा है, एसेसिनेशन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग, कल्ट एसेसिनेशन वगैरह, जैसे कोई लीडर है वो लोगों को बहुत मतलब एक पॉजिटिव की तरफ ले जा रहा है जो उनके डिजायर में नहीं है, जैसे उनके उसमें नहीं है कि नहीं यार ये मतलब ना मान रहा है, शाम से नहीं मान रहा, दाम से नहीं मान रहा, दंड भी भेद से भी नहीं मान रहा, और ये बंदा जो है ना वो बस एकता एकता की बात कर रहा है, एकता एकता की बात कर रहा है, और ये हिंदू मुसलमान एकता की बात कर रहा है, जबकि उसको बुलाओ और उसको एसेसिनेशन करवा दो और उसको गोली मरवा दो, तो ऐसा हुआ है नहीं हुआ बता दो? हुआ है सर, इतनी सारी प्रैक्टिस पहले लोग करके गए हैं ब्रिटिश लोग, अब वही इंडियन अपना रहे हैं। अब वो चीज जो है वो जो क्या नाम है गांधी जी को मार दिया गया वो क्या था, दंडी तो दंड नीति को अपनाया था उन्होंने, अब जाके एसेसिनेशन कर दिया, गांधी क्यों रोक रहे हैं मुसलमानों को या हिंदू मुस्लिम एकता की क्यों बात कर रहे हैं, देश को बचाने की बात कैसे कर रहे हैं? तो जब आपका मतलब कोई भी वजह हो सकती है, कहने का मतलब यह है कि आपका डिजायर के में आपकी जो मतलब वो है रास्ते में कोई आ रहा है तो उसको रास्ते से हटाने के लिए एसेसिनेशन दंड में मतलब मौत तक की सजा इसमें यूज की गई है। जैसे दंड में कुछ फेयर ऑफ पनिशमेंट हो सकता है, थोड़ा बहुत इंजरी इन्फ्लिक्ट करने की बात हो सकती है, लास्ट स्टेज यह है कि मारी तो जान से, ठीक है। और ये बहुत यूज होता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो कौटिल्य का आपने साम देखा, दाम देखा, भेद देखा, दंड देखा, ये
क्योंकि दंड का लेवल हमेशा मारना नहीं होता है, दंड का लेवल कई तरीके से होता है, मतलब कि हाथ पैर तुलवा दोगे, ये करवा देंगे, हाँ भाई मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसी तरीके से। तो दंड के भी बहुत सारे रूप हैं, जैसे कि शाम के बहुत सारे रूप हैं, दंड के भी बहुत सारे रूप हैं, कहाँ पे कौन सा यूज करना है वो देखना है। तो बताओ शाम दाम दंड भेद समझ में